अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। कक्षा चार के लिए चौथा पाठ कौन सा पढ़े बच्चों? हम लोग चौथा पाठ देखिए कौन सा है। चौथा पाठ बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर। ये पाठ का अध्ययन भी हो चुका है और इससे संबंधित हमने व्याकरण देखा, शब्दार्थ। ये जो शब्दार्थ है आपको आपकी हिंदी की कक्षा नोटबुक में लिखना है। उसके बाद सही विकल्प चुनिए, यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी हो गया आपका। पहला है बृहदेश्वर मंदिर, दूसरा है कावेरी और तीसरा है 2010 में। यहाँ पर एक हेल्पिंग बॉक्स दिया गया है, इससे संबंधित आपको ये रिक्त स्थान पूरे करने हैं। पहला है राजा राज चोल प्रथम, दूसरा है ग्रेनाइट, तीसरा है 6 मीटर और इंटरलॉकिंग पद्धति है ये। ठीक है, यहाँ से देखकर आप ये रिक्त स्थान भरिए और आपको ये प्रश्नोत्तर दिए गए थे और आपको ये प्रश्नोत्तर भी लिखने थे। पर्यायवाची शब्द यानी एक शब्द के कई सारे अर्थ, यानी कई सारे नाम, अलग अलग अर्थ है, उसे कहते हैं पर्यायवाची शब्द। जैसे कि यहाँ राजा है, राजा को क्या कहते हैं, और भूपति, नृप, नरेश। उसी तरह ये क्या है, नदी है बच्चों, ये नदी है। नदी के और कई सारे नाम हैं, जैसे कि हम हिंदी में से तटिनी, सरिता, तरंगिनी कहते हैं, यानी नदी के और अलग अलग नाम हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कौन से शब्द कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द यहाँ पर भी उससे संबंधित एक बिट दी गई है। यहाँ पर कुछ हेल्पिंग बॉक्स के अंदर शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। और तो ये क्या है, सूरज, सूरज का सूर्य कहते हैं हम। यहाँ पर देखिए सूर्य, सूरज, रवि, ये सब पर्यायवाची शब्द किसके हैं, सन के, सूरज के। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सूर्य है और रवि है, तो हमने यहाँ सूर्य रवि लिखा। उसी तरह ये क्या है बच्चों, प्लांट यानी पेड़ है। पेड़ देखिए है पेड़, और पेड़ को और क्या कहा जा सकता है, वृक्ष। पेड़ और वृक्ष, तो हमने यहाँ पर वृक्ष और पेड़ लिखा। उसके बाद बादल, बादल को क्या कहते हैं, बादल, और बादल, बादल है और क्या है, बादल, मेघ, मेघ है। कहाँ पर है मेघ, देखिए यहाँ पर है मेघ, बादल और मेघ। और ये क्या है, समुद्र, देखिए सागर और एक समुद्र। हम ये दो पर्यायवाची जो समुद्र को कहते हैं, सागर और समुद्र, ये यहाँ तक हो गया था। आज हम सही मिलान करना, सही मिलान यानी मैच द फॉलोइंग, यानी हिंदी के अक्षरों से हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी के वाक्यों से मिलाना है। यानी हिंदी में जो सेंटेंस कहा गया है उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उसे हमें मैच करना है, मिलाना है। वह यह खेल का मैदान है, तो कौन सा है, रमन इज ए प्लेयर, मोहन इज ए कैप्टन ऑफ द टीम, दिस इज ए प्ले ग्राउंड, लेट अस प्ले। तो क्या है, यह खेल का मैदान है, दिस इज ए प्ले ग्राउंड। दूसरा, चलो हम खेले, लेट अस प्ले, चलो हम खेले, वो तो इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे, लेट अस प्ले। रमन एक खिलाड़ी है, रमन इज ए प्लेयर, खिलाड़ी यानी प्लेयर, रमन इज ए प्लेयर। मोहन टीम का कप्तान है, मोहन इज ए कैप्टन ऑफ द टीम। विलोम शब्द लिखिए, राइट द ऑपोजिट वर्ड्स, शहर, गांव, ऑपोजिट लिखना है। यहाँ पर दिए गए हैं छोटी, गांव, आकाश, कल, नीचाई, बाहर, तो शहर, गांव, गांव लिखा हमने। ऊंचाई, ऊंचाई का ऑपोजिट क्या रहता है, विलोम क्या है, ऊंचाई, तो नीचाई, ऊंचाई, नीचाई। धरती, धरती यानी जमीन, ऊपर क्या है, आकाश, धरती का ऑपोजिट विलोम क्या है, आकाश। आज, कल, आज, कल। अंदर, बाहर, अंदर, बाहर।
लंबी छोटी, लंबी छोटी। इस तरह से आपको विलोम शब्द लिखना है, यानी ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं बच्चों। यहाँ से देखिए, यहाँ से लिख दीजिए। उसके बाद हम सुलेख यानी बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है बोलकर इस तरह से हैंड राइटिंग में आपको लिखना है। आज हो जाएगा आपका ये पार्ट, ठीक है। पेज पलटाइए, आखिरी बिट देखिए, पाठ से आगे स्मारकों के नाम लिखिए। यानी ये चित्र में जो भी स्मारक दिखाई दे रहे हैं उसके नीचे हमें हिंदी में उसके नाम लिखना है। ये कौन सा है? मैसूर महल, मैसूर महल। दूसरा है ताजमहल, ताजमहल। चार मीनार, लाल किला, हवा महल, हवा महल। स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर। हो गया, देखिए अच्छे से। आज से आपका चौथा पाठ समाप्त होता है बच्चों। फिर हम पांचवा पाठ शुरू करेंगे। यहाँ तक आपकी नोटबुक में भी लिखना लिखा हुआ होना चाहिए बच्चों, ठीक है। धन्यवाद।